तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यह बात करने वाला हूं कि आखिर क्यों रोमन रेंस को रिटेन करनी चाहिए अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया 40 में। अगर वो स्टील चैंपियन रहते हैं तो आगे क्या होगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि रोमन रेंस को आखिर क्यों रिटेन करनी चाहिए अब रेसलमेनिया 40 में अपनी चैंपियनशिप। यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जो बंदा 2020 में चैंपियन बना है रेसलमेनिया 37, 38, 39 और अब जब रेसलमेनिया 40 आने वाली है चौथी रेसलमेनिया सेम टाइटल में, तो ऐसा क्या है उस बंदे में, ऐसा क्या ही रन चला रहा है वो बंदा कि उसे फिर से अपनी टाइटल रिटेन करनी चाहिए। अब तो एक चीज तो यह है कि रोमन रेंस की अभी काफी सारी फ्यूड बची हुई है। हाँ दोस्तों, उन्हें चैंपियन बने 4 साल हो गए हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे मैचेस हैं उनकी खुद की ब्लड लाइन में, उसके अलावा काफी सारे ड्रीम मैचेस और रेगुलर मैचेस भी है जो कि सिर्फ रोमन रेंस के काम नहीं आएंगे, वो बाकी सुपर स्टार को भी एलिवेट करने के काम आएंगे। अगर आपको याद होगा तो रोमन रेंस ने अपने रेन में काफी सारे ऐसे सुपर स्टार के साथ भी रेसल किया है जो कि लेजेंड नहीं थे, जैसे कि लोगन पॉल हो गए क्राउन जॉल में, उनका मैच हुआ था रोमन रेंस के अगेंस्ट। वैसे ही सिजारो हो गए बैकलैश में, इनके बीच मैच हुआ था। एलन नाइट भी उन सुपरस्टार में से एक है जिनका 1-1 मैच हुआ था रोमन रेंस के अगेंस्ट क्राउन जॉल में। अब इनमें से कोई भी लेजेंड सुपरस्टार नहीं है, लेकिन रोमन रेंस के साथ मैच रेसल करने से क्या होता है, हर कोई सुपरस्टार एलिवेट हो जाता है और कैसे नहीं होगा। दोस्तों अगर रोमन रेंस के अगेंस्ट कोई मैच रेसल कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो बंदा मेन इवेंट में होगा, और अगर वो मेन इवेंट में होगा तो कितनी सारी आई बॉस अट्रैक्ट करते हैं रोमन रेंस। अगर वो रोमन रेंस को देखने आएंगे तो डेफिनेटली उसके ओपोनेंट को तो देखेंगे ही ना, और रोमन रेंस यह चीज बहुत ही अच्छे से करते हैं। उन्हें पता है कि मैच को ना हारते हुए भी कैसे अपने ओपोनेंट को एक बढ़िया टैलेंट दिखाना है। अब इनमें से कोई भी मैच उठा के देख लो, कोई भी मैच ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें ओपोनेंट सुपर स्टार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती। सबके सब लगता है कि यह कितने कमाल के मैचेस दिए थे इन्होंने, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। और हाँ, रॉयल नंबर में भी उनका फेटल फोर वे मैच हुआ था रैंडी ऑर्टन, एज एस्टर एंड एलन नाइट के साथ। दोस्तों चलो एलन नाइट को छोड़ो, उनके साथ उनका मैच हो चुका है, लेकिन एज एस्टर और रैंडी ऑर्टन ऐसे सुपर स्टार है जिनके साथ रोमन रेंस का अभी भी 1-on-1 सिंगल मैच नहीं हुआ है। और आपको तो पता ही है कि एज एस्टर जब अकेले होते हैं और रैंडी ऑर्टन जब अकेले होते हैं तो या अगर 1-on-1 फ्यूड दे देते हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट, मजे ही मजे आ जाएंगे, ना सिर्फ मैच वाइज बल्कि स्टोरी लाइन वाइज भी। और दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उनकी खुद की ब्लड लाइन के मेंबर जैसे कि सोलो सिकवा, सबको तो उन्होंने एलिवेट कर दिया, अपने मेन बंदे को तो एलिवेट अभी तक किया ही नहीं। अभी सोलो सिकवा ने टर्न नहीं किया रोमन रेंस पे, इन दोनों की हमें एक पर्सनल फ्यूड नहीं देखने को मिली है। सोचो जब ये देखने को मिलेंगे जिसमें एक न्यू जन गाय होगा एक प्राइम गाय के साथ एक ही फैमिली से, और वो इस टाइटल के लिए कम्पीट करेंगे, तो क्या तगड़ी चीज लगेगी। वही दोस्तों अभी भी बॉबी लेस्ली, कैरियन क्रॉस, गुंथर, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक ऐसे काफी सारे सुपर स्टार है जिनके साथ अभी भी 1-on-1 क्लीन मैच होना बचा हुआ है रोमन रेंस के अगेंस्ट। अभी जैसे उन्होंने 2023 बिताया ना, अगर वो इसी तरह धीरे धीरे चलते चलते ऐसी काफी इंटरेस्टिंग से फ्यूड देते रहते हैं तो सोचो कहां तक भाग जाएगी। शॉर्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी रोमन रेंस के ऐसे काफी सारे आर्क्स है जो कि इस चैंपियनशिप के साथ आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों रोमन रेंस के लिए अब सब कुछ ही खत्म हो गया, अब क्या करेंगे रेसलमेनिया 40 में टाइटल रिटेन करके। तो दोस्तों नेक्स्ट सीज काफी मेजोरिटी पार्ट डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स चाहते हैं, इवन जो क्रिएटिव टीम है डब्ल्यूडब्ल्यू की वहां पे भी काफी सारी ऐसी बात चल रही है। अगर रोमन रेंस और रॉक की फ्यूड हो रही है फ्यूचर में, जाके जो भी ट्रायलॉजी फ्रायलॉजी चलाने वाले हैं, तो वह फ्यूड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पे होनी चाहिए। आपको पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, एक टाइम पे पॉल हेमन ने यह चीज कही थी कि भाई ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल वाइज मैन यह सब सिर्फ तभी तक है जब तक यह टाइटल रोमन रेंस के पास है, अगर यह टाइटल ही नहीं रहती है तो वो जो टैग है ना वही चला जाएगा। तो अगर सोचो सच में रोमन रेंस के पास टाइटल नहीं होती है, अगर रोमन रेंस रॉक ऐसे ही फ्यूड कर रहे हैं वो भी 3-3 मैचेस के लिए, कोई सेंस बनेगा इस बात का, पॉल हेमन की तो सारी बात गलत हो जाएगी। अगर टाइटल हारने के बाद रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल ट्रैवल चीफ रहेंगे नहीं तो रॉक और रोमन रेंस किसके लिए कम्पीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे रिटेन करेंगे रोमन रेंस, क्योंकि हम सबको पता है कि दोस्तों रॉक ने टर्न कर लेना है रोमन रेंस पे नाइट 1 पे। अगर रोमन रॉक जीत गए तो नाइट 2 पे फिर पक्का ही हो जाएगा कि एक तरह से कि रोमन ही हारेंगे, क्योंकि कोडी के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, डब्ल्यूडब्ल्यू से दिखाएगी कि कोडी का कोई चांस ही नहीं है, जबकि कोडी का ही चांस होगा और रॉक वहां पे रोमन पे टर्न करके उन्हें कोस्ट करवा देंगे टाइटल और कोडी जीत जाएंगे चैंपियनशिप। लेकिन दोस्तों सोचो ये जो पूरी थ्योरी, ये जो पूरी सिनेरियो हम सब ने क्रिएट किया है जस्ट फॉर सेकंड, सोचो कि यह चीज होती ही नहीं है और एक्चुअल में रॉक रोमन रेंस की ही हेल्प करते हैं। लेकिन दोस्तों सोचो ये जो पूरी थ्योरी, ये जो पूरी सिनेरियो हम सब ने क्रिएट किया है जस्ट फॉर सेकंड, सोचो कि यह चीज होती ही नहीं है और एक्चुअल में रॉक रोमन रेंस की ही हेल्प करते हैं जीतने के लिए और रिटेन करने के लिए टाइटल। सोच रहा है इस टाइम पे यह चीज दोस्तों रॉक रोमन की साइड से है, वो अपने भाई का ही साथ दे। तो दोस्तों मैंने पर्सनली यह सिनेरियो नहीं सोचा था, लेकिन पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली इस चीज की है। नेक्स्ट चीज है वो एक और तरह से जीत सकते हैं अगर सेथ रॉलिंस जो कि करंट टाइम में तो
कोडी रोड्स के बड़े सगे बने बैठे हैं। भाई मैं तेरे साइड हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाएगा। तो दोस्तों आपने एक बार के लिए भी सोचा है कि आखिर क्यों सेथ रॉलिंस हेल्प करने हैं कोडी रोड्स का? उसको क्या मतलब कोडी रोड्स हराए रोमन रेंस को या फिर हारे रोमन रेंस से? और दोस्तों उसका खुद का वर्ल्ड टाइटल दांव पर लगे हुए हैं ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट। वो अपनी ओपोनेंट पर ना ध्यान देकर कोडी रोड्स एंड द ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन में घुस रहे हैं, जिसमें उनका ना कोई फायदा है और ना कोई नुकसान। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों क्या होगा अगर रोमन रेंस स्टिल रिटेन कर जाते हैं अपनी चैंपियनशिप रेसलिंग 40 में? पर होना क्या है, अगर वो रिटेन कर गए तो रॉक और रोमन रेंस की फ्यूड भी टाइटल के लिए चलेगी, और यह भी पक्का हो जाएगा कि रोमन रेंस इस साल के एंड तक भी अपनी चैंपियनशिप नहीं हारेंगे और हल्क होगन के 1474 दिनों के टाइटल रन को भी तोड़ देंगे। तो दोस्तों आप में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या रोमन रेंस को स्टिल चैंपियन रहना चाहिए या फिर कोडी रोड्स को न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।